तो हेलो गाइस, कैसे हैं जी? सब उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। और आज हमारे पास जो वीडियो है वो है जी 200 जर्नीज वालों का। एंड द टाइटल ऑफ दिस वीडियो इज मोस्ट एक्सक्लूसिव जियो वर्ल्ड प्लाजा मॉल मुंबई टूर लग्जूरियस मॉल ऑफ इंडिया। तो इसमें ये जियो का आ गया, तो इट मीन्स मुकेश अंबानी। बिल्कुल जियो का अगर जिक्र है, जियो का नाम आया तो आई थिंक मुकेश अंबानी जी। लेकिन चले, बनाया नहीं। हाँ तो चले पहले देखते हैं हम प्लाजा कि कैसा है ये, और करें स्टार्ट वीडियो। तो चले गाइस बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अराउंड 7500 स्क्वायर फीट की स्पेस, और जानते हैं मंथली रेंट कितना है एलवी का? अराउंड, और आपको ये मार्बल आप देखोगे ना, देखिए लाजवाब। मतलब मैं दुबई गया था मॉल ऑफ एमिरेट्स, मतलब बिल्कुल ये मानिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। कसी आहे पब्लिक, कल था 31 अक्टूबर मेरा बर्थडे, और कल शाम को मुंबई में लॉन्च हुआ वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट लग्जरियस मॉल, आप कह लीजिए दिस इज द जियो वर्ल्ड प्लाजा। एंड टुडे इट इज़ 1 नवंबर, पब्लिक के लिए ये ओपन कर दिया गया है, और आपके सामने आमची मुंबई से द बिगेस्ट मॉल ऑफ इंडिया, द मोस्ट प्रीमियम, आप कह लीजिए उसका व्लॉग नहीं आए ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए मेरी कोशिश यही है कि आपके सामने अब लोकल मुंबई के व्लॉग्स आएँ, तो फिलहाल मैं जियो वर्ल्ड प्लाजा के अंदर ही हूँ। तो चलिए थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले धमाकेदार व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डोलेश, और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। पूरा व्लॉग देखिएगा, पूरा इंटीरियर मैं कोशिश करूँगा आपको वो भी दिखा पाऊँ, सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। बट आप ये देखिए क्या प्रीमियम कैटेगरी का जियो आपके लिए लेकर आया है, द वर्ल्ड प्लाजा। भाई साहब इंटीरियर देखिए, इतना बड़ा फिश टैंक आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो जियो वर्ल्ड प्लाजा में अगर आप देखोगे, आपको देखेंगे 3 फ्लोर्स। ये हो गया ग्राउंड फ्लोर, यहाँ मैं आप खड़ा हूँ। देखो ये पेंटिंग्स आप देखोगे, दिस इज #, देखो अपना देश राजस्थान का आपको यहाँ पर मिलेगा, यूपी का, अलग अलग स्टेट्स के जो आप देखते हो ना, मतलब आइकॉनिक प्लेसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस, वो मॉन्यूमेंट्स, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हो। वहाँ पर डाइनिंग सिटिंग एरिया है। देखो बिकॉज मैं सुबह बहुत जल्दी आ गया हूँ, 11 बजे हैं मॉल के टाइमिंग्स हैं, सुबह 10 से रात को 10, ओपन्स एवरी डे। फर्स्ट फ्लोर पे आपको ब्रांड्स मिलेंगे, सेकंड फ्लोर पे आपको ब्रांड्स मिलेंगे, और जो थर्ड फ्लोर आप देख रहे हो उस तरफ मैं आपको दिखा दूँ, दैट इज़ फॉर मूवीज, PVR वगैरह सब कुछ। वो अभी फिलहाल ओपन नहीं है, उसको धीरे धीरे टाइम लगेगा, बट आपके लिए एक्सक्लूसिव इंटीरियर टूर मैं आपको दिखा दूँ। ये देखो ये ग्राउंड फ्लोर का टूर है, और आप देखिए यहाँ पर इन्होंने कितना बड़ा फिश टैंक, भाई साहब बिकॉज नया है। कल यहाँ पर इतने सेलिब्रिटीज थे, मैं चाहता था आना बट हो नहीं पाया। खैर कोई बात नहीं, वॉशरूम्स वगैरह वो भी वहाँ पर आप देख सकते हो, कोशिश करेंगे आपको वो भी की पूरा यहाँ दिखाएंगे। अभी फिलहाल आपको पूरा सन्नाटा दिखेगा बिकॉज पब्लिक के लिए अभी ओपन किया गया है। यहाँ पर आप देख लो, ये बहुत सही है, प्रमोटिंग द लोकल टूरिज्म आई गेस। यहाँ पर अभी बाद में स्टोर्स और ओपन होंगे, प्लीज़ टाइम लगेगा जो मैंने आपको बताया, बट करंटली ये पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। चलिए अब आपको लेके चलेंगे फर्स्ट फ्लोर, यहाँ देख लीजिएगा वॉशरूम्स वगैरह सब कुछ पूरा, आप देखिए मार्बल वगैरह सब कुछ, मतलब आर्किटेक्चर हैंडल बाय द आई गेस द US, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। सो पूरा कोशिश करेंगे आपको टूर वगैरह सब कुछ दिखा पाएँ, बट मस्त जो फर्स्ट इंप्रेशन है। अब आपको ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे, सब कुछ आपको मैं यहाँ पे दिखा। जियो वर्ल्ड प्लाजा की बात करें तो इसका एरिया टोटल बता दूँ 750,000 स्क्वायर फीट, मतलब जितना आप देखोगे, और कितने ब्रांड्स आपको मिलेंगे, आई गेस मोर देन 65 ब्रांड्स जब ये पूरी तरह से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। बिकॉज अभी क्या है, ग्राउंड फ्लोर पे एक या दो ही स्टोर ओपन है, और अगर आप देखोगे फर्स्ट फ्लोर पे भी, मतलब फिलहाल कुछ ही स्टोर्स ओपन है, धीरे धीरे टाइम लगेगा जैसे जैसे वक्त आगे बीतेगा। बट आपको अगर आपको लग्जरी पसंद है, दिस प्लेस इज़ फॉर यू। मुंबई में अब तक एक ही मॉल मैं कहूँगा, बिकॉज मैं मुंबई से हूँ, हाई स्ट्रीट फिनिक्स लोअर परेल, वहाँ पर आपको लग्जरी मिलती थी, अब आपको लग्जरी मिलेगी यहाँ पर द जियो वर्ल्ड प्लाजा। जितने ब्रांड्स की बात करोगे उतना कम, और कुछ कुछ ब्रांड तो ऐसे हैं जो इंडिया में फर्स्ट टाइम एंटर कर रहे हैं, वो आए हैं जियो वर्ल्ड प्लाजा। कोशिश करिए आपको इंडिया, देखो यहाँ पे एक स्टोर ओपन होगा, आप देखो ना भाई साहब, मतलब सोच ही अलग है, मुकेश अंबानी, रिलायंस जियो, सोच ही अलग है। देखो एक ये स्टोर है आजियो का, आप देखोगे टॉप लग्जरी, एकदम क्लास,
ये देखो यहाँ पर ये स्टोर हो गया और ये हो गया डायमंड का। चाहे वेडिंग रिलेटेड हो, शूज़ रिलेटेड हो, आप बात कीजिए, फैशन की बात कीजिए, वो स्टोर आपको यहाँ मिलेगा। एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पर टूर दे रहा हूँ आजियो लक्स का, आप देख लीजिए। एक यहाँ पर ये पूरा पूरी तरह से स्टोर नहीं है, जस्ट अ पॉपअप, एक छोटा सा टूर आपके लिए। देखिएगा, मैंने आपसे कहा ना जियो वर्ल्ड प्लाजा इट्स ऑल अबाउट लग्जरी। अगर आपको लग्जरी पसंद है, आपके पास बजट अच्छा है, देन दिस प्लेस इज़ फॉर यू। देखो आपको लगेगा अलग ही लुक है, देखो देख रहे हो, बिकॉज ऑफ दिस डिज़ाइन, बिकॉज ऑफ दिस इंटीरियर। सोचिए ये सिर्फ एक स्टोर, ये सब मैं आपको सिर्फ एक दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा मिनिमम कॉस्टिंग, आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर लोगे मिनिमम, स्टार्टिंग में आपको बता दूँ जो मुझे पता लगा है स्टाफ से, दैट इज़ 35,000 रुपीज़। यस, आपसे कहा ना ये है लग्जरी। देखो वाइट शूज़, माय फेवरेट वाइट शूज़। क्या बात है, आपसे कहा ना जे अगर जेब में है पैसा तो ये जगह है आपके लिए। आप देखो मिनिमम 35,000 रुपीज़ यहाँ पर स्टार्टिंग रेट, एंड दिस इज़ जस्ट वन स्टोर। मैंने आपको कहा ना, मतलब आप यहाँ पर आइए अनलिमिटेड, मतलब अगर अगर शॉपिंग अब तक आप देश के इंडिया के बाहर जाते थे लग्जरी शॉपिंग के लिए, बट इफ यू आर इन मुंबई, इफ यू आर इन इंडिया, नाउ दिस प्लेस द जियो वर्ल्ड सेंटर इज फॉर यू। आई एम श्योर जब आप ये कैमरे पर देख रहे होगे कितना मस्त लग रहा होगा। अगर आप मुंबई से हैं एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग, दिस प्लेस इज ओपन नाउ। और अब मुझे आपको दिखाना है एल वी का स्टोर, लुई विटॉन का 4 गाला उन्होंने लिए हैं, कुछ अराउंड 7,500 स्क्वायर फीट की स्पेस। और जानते हैं मंथली रेंट कितना है एलवी का? अराउंड 41 लाख। पूरे इंडिया में सबसे बड़ा स्टोर एलवी का आपको मिलेगा यहाँ। तो अगर आप एलवी के फैन हैं, आपको कहाँ आना है? जियो वर्ल्ड प्लाजा। ये रहा एलवी का स्टोर, मतलब आप सोच लीजिए कॉस्टिंग। तो खैर मेरे को आपको क्या ही बतानी, मतलब लग्जरी ब्रांड्स के बारे में देखो मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं, तो आई वोंट बी एबल टू टॉक। और आपको मिलेगा वहाँ पर डियोर का ब्रांड, देख रहे हो एकदम एकदम प्रीमियम क्वालिटी। अब 41 लाख का या तो रेंट हो गया, या आप कह लीजिए 6% रेवेन्यू शेयर, जो भी हाइएस्ट होगा। भाई ये है रिलायंस, इसकी बिजनेस टेक्निक अलग ही चलती है। कोशिश करता हूँ अगर मैं आपको अंदर भी जाके दिखा सकूँ, बट लाजवाब। मतलब बी के सी में, बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, सब लोकेशन वगैरह बाकी सब डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मज़ा आ गया, बट मज़ा आ गया। आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है, टाइमिंग्स वगैरह सब मैंने आपको बताई दिया। ये देखो आपको यहाँ और दिखाऊँ, ये है आपकी मेन एंट्री, ये देखिए यहाँ से आप एंटर होंगे, वहाँ पर सिक्योरिटी चेक वगैरह हो गया और फिर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये हो गया मेरा फर्स्ट फ्लोर। अब चलिए अब आपको लेके चलेंगे सेकेंड फ्लोर। सोचो अभी ओपन हुआ है और पब्लिक देखो यहाँ पर आने भी लग गई, मतलब आप सोचिए मेरे हिसाब से कम 50,000 1 लाख का बिल कम से कम बनेगा। तो अगर किडनियाँ समझ गए ना भाई साहब, स्टोर देखो एलवी का। तो एक भी तो भाई, समझ अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ जियो वर्ल्ड प्लाजा के लेवल 2 पर, फ्लोर 2 पर। यहाँ पर ध्यान रखिए जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो भी इंग्लिश बोलता है। तो चीज़ को यहाँ पर आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। आप जितने ये देख रहे हैं होर्डिंग्स वगैरह, ये सब ये देखो जैसलमेर राजस्थान, ये सब अभी वो अपकमिंग स्टोर्स हैं, तो इनको टाइम लगेगा। यहाँ से आपको थोड़ा इंटीरियर और दिखा दूँ। जैसा मैंने आपको बताया करंटली आई एम ऑन लेवल 2। मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूँगा और बेस्ट प्लेस फॉर फोटोग्राफी, मतलब अगर आप अच्छी फ़ोटो HD में लेना चाहते हैं ना, 4K में आप लाइटिंग्स वगैरह आप यहाँ देखिए, मतलब वही आर्किटेक्चर वगैरह, आर्किटेक्चर सब कुछ बाय द इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स। आप देखो यहाँ पर भी आप कुछ ब्रांड्स देख सकते हो, यहाँ पर आप देख लीजिएगा किड्स वेयर सब कुछ। और यहाँ पर आपको पर्सनल सर्विसेज भी मिलती है, पोर्टर सर्विसेज हो गई वगैरह सब कुछ। ये देखो यहाँ पर फर्स्ट क्लास एस्केलेटर हो गए, देखो वहाँ पर अंकल भी वहाँ पर शूट कर रहे हैं पूरा इंटीरियर। क्या लगता है यार, मतलब फॉर अ मोमेंट, ये देखो ये हो गया पॉटरी बार्न किड्स। फॉर अ मोमेंट आपको ऐसा फील होगा दैट यू आर नॉट इन इंडिया, आप भारत में है ही नहीं। लाजवाब रिलायंस का यार, ये तो कहना पड़ेगा, मतलब सोच ही अलग है। जब बनाते हैं तो ऐसा बनाते हैं कि पूछिए मत। देखो पूरा आप देखो, मैं आपको वाइड में दिखा रहा हूँ, देखो थोड़ा जूम इन करेंगे, ये देखिए क्या लगता है, बहुत कुछ। अभी तो आप आने वाले टाइम में देखिए, बिकॉज अभी तो महज शुरुआत है ना, तो ज़्यादा डिटेल्स सामने आई नहीं है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, अब देखो ये हो गया PVR के लिए, बट PVR के लिए फिलहाल जो मैंने आपको बताया काम चल रहा है, तो ऊपर के लिए
यहाँ पर आपकी एंट्री बंद है। बट क्या लगता है यार, सीरियसली मुंबई से कौन कौन ये व्लॉग देख रहा है सर, कमेंट करके बताइए। नॉर्मली मैं आपको वॉशरूम्स दिखाता नहीं हूँ, बट बिकॉज दिस इज़ द रिलायंस प्रोजेक्ट, टॉप लग्जरियस है, तो आपको ज़रा इस कमेंट से सिर्फ हल्की सी झलक वॉशरूम और आपको दिखा रहा हूँ। साफ सफाई यहाँ आप देख लीजिए, और कहना पड़ेगा जो रिलायंस का स्टैंडर्ड है ना, आप देखिए साफ सफाई, बिकॉज टोटली नया मॉल है, आप देखिए सब इन्होंने जो बनाया है, और आपको ये मार्बल आप देखोगे ना, देखिए लाजवाब। मतलब मैं दुबई गया था, मॉल ऑफ एमिरेट्स, मतलब बिल्कुल ये मानिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। तो जब भी आप आ रहे हैं मॉल में, आ रहे हैं जियो वर्ल्ड प्लाजा में, प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा साफ सफाई सब कुछ बनाए रखिएगा। मार्बल आप देखिए, पब्लिक के लिए टोटली ओपन कर दिया गया है, बट वाकई में आप देखो जो इन्होंने पैटर्न दिया है, टेक्स्चर दिया है, क्वालिटी अगर आप देखोगे यहाँ भी सब कुछ आप देख सकते हो, लाजवाब। मतलब वॉशरूम में आपको पता है नॉर्मली मैं दिखाता नहीं हूँ, बट बिकॉज दिस इज़ द लग्जरियस प्रोजेक्ट, तो मैंने सोचा चलिए आपको वॉशरूम भी यहाँ पर ज़रूर दिखाया जाए। सो दैट्स ऑल गाइज फ्रॉम दिस व्लॉग, ये तो मैं जितना घूमूंगा उतना कम है। आपको एक चीज़ बता दूँ, इनकेस अगर आपको व्हील चेयर एक्सेस चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर आपको स्पेशल लिफ्ट भी मिलेगी। बाकी सब डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एंट्री जो आप करोगे, एंट्री है गेट नंबर 6 और 7 से, ठीक है। तो बस हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, और आप देखो ये देखो, मतलब इंटीरियर आप जितना देखोगे ना, इतना सुपर क्लास। जियो वर्ल्ड गार्डन हो गया, जियो वर्ल्ड ड्राइव हो गया, अब आपके सामने आया जियो वर्ल्ड प्लाजा। अभी तो आप देखिएगा रिलायंस आपके सामने क्या क्या लेके आएगी। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा बिकॉज दिस इज़ वेरी एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट। बाकी सब डिटेल्स मैंने आपको दे दी, ठीक है। बस यही है, गर्व फील होता है जब एक, मतलब घर की इंडिया की कंपनी जब ऐसा कुछ बनाती है। दिस इज़ मेड इन इंडिया, ठीक है। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द वन मोर एक्सक्लूसिव व्लॉग, और आप मुंबई से देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बिकॉज अब मुंबई से आपके लिए आएंगे बैक टू बैक व्लॉग्स। और ये था जी आज का व्लॉग 200 जर्नी यूट्यूब चैनल का, और जियो प्लाजा वर्ल्ड, जियो प्लाजा क्या बात है यार, बहुत ही शानदार। और वाकई उसकी जो बनावट है, जो आर्किटेक्चर है, जिस तरीके से अंदर मार्बल और इंटीरियर था उसका, वो बहुत ही शानदार लग रहा था। और आई एम सरप्राइज्ड बहुत ज़्यादा हुआ हूँ के, मतलब उसकी प्राइसेस जो हैं अच्छी। मीन यहाँ पर मुंबई में तो डेफिनेटली सेलिब्रिटीज जो हैं वो सेलिब्रिटीज ज़्यादा आकर शॉप करेंगे, या बिजनेसमैन आप कह सकते हैं कि हाईली लेवल के जो, मतलब वही कर सकते हैं। बाकी कॉमन बंदा आकर अगर कोई चीज़, अगर मैं कहूँ कि मुझे अंडर गारमेंट्स चीज़ें चाहिए और 35,000 से वो स्टार्ट हो रही हैं, जो मैंने छुपा कर रखनी है अंदर अपने, तो टू मच कॉस्टली फॉर मी, बट नॉट फॉर देम who earned daily मतलब in millions। ये ना तो मेरा 35,000 किसी को नजर ही नहीं आ रहा। हाँ, हमने तो भाई, हम तो ये होता है ना, हमने तो कोई 5,000 की चीज भी पहनी हुई हो ना, तो फॉर एग्जांपल के वॉच पहनी है, तो हम होता क्या है कि भाई ऐसे करके बैठे होते हैं, क्योंकि पूछ ले भाई कितने की ली है, इससे ये होता है ना। हाँ, तो इधर यहाँ पे मुझे लगता है सेलिब्रिटी आएंगे, नहीं नहीं बहुत सारे लोग आएंगे। अब मुंबई में जो लोग बैठे हैं, क्या आप ये सोचते हैं कि वो ऐसे आम कॉमन बंदे बैठे होंगे मुंबई के अंदर, जहाँ पर लाखों रुपए का एक्सपेंस और रेंट है, तो डेफिनेटली वहाँ पर जो है बहुत सारी। और अब देखा उसका अभी स्टार्ट है, और हमने देखा मैं इंस्टाग्राम पे काफी देख रहा था, क्योंकि हर एक्टर यहाँ पे आके ना आया हुआ था जियो वर्ल्ड प्लाजा। मैंने कहा ये मुझे पता नहीं था कि क्या बन रहा है इसका, मुकेश अंबानी जब भी कुछ बनाता है ना, तो एक्टर तो जो इंडिया के जितने भी एक्टर है ना, उन्होंने आना ही आना है, जो मर्जी हो जाए, बड़े से बड़ा एक्टर, छोटे से छोटा एक्टर। बाकी ये है के अच्छा प्लाजा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही है। ऊपर वाला थर्ड फ्लोर बन रहा है अभी, वो बन रहा है अभी, सिनेप्लेक्स जो है वो ऊपर है सबसे, उधर भी क्लोज है, वो नहीं बन अभी, ब्रांड आ रहे हैं, अभी ब्रांड आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो उन्होंने ओपन किया है, ओपन हुआ है अभी, अभी ब्रांड आएंगे और आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें आपको काफ़ी क्राउड और ये हलचल जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। बाकी अच्छा वीडियो था आज का गाइस, तो कौन कौन हमें कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बिलो मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में रखिए बहुत सारा ख्याल।